आपका अब 12th शुरुआत हो गया है और अब शुरू से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। 11 में क्या किए नहीं किए गोली मारिए, है ना। 11 में अब जो पीछे बीत गया बीता हुआ बात में हम लोग को जाना नहीं है, और 11 से आपका पहचान नहीं बनेगा, आपका जो पहचान बनेगा वो 12th से बनेगा। 12th का अगर आप रिजल्ट अच्छा लाते हो तो आपको पहचान बनेगा, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं लाते हो तो आपको सब बुरबक ही मानेगा। कितनों आप कुछ थे, क्या थे, नहीं थे, किस कारण से आपका नंबर कम हुआ, पब्लिक को नहीं पूछता। अभी उतना टाइम नहीं पब्लिक को पूछने का, नंबर दिखाइए, उसी पर आपका डिसीजन हो जाएगा कि आप कैसा थे नहीं थे, जो कि गलत बात है। लेकिन अभी यार चल रहा है वही जमाना ही है। दसवां कितनो सर्वा बुर्बक रहता, 450 आग लग जो जो सर्वा इन्हें जो हजारी बग जो साइंस ले ईज ले भलो सर्वा चोरी चुटका करके पास कर को। यही सच्चाई है कि 12th में आप क्या रिजल्ट लाओगे उसी पर आपका डिपेंड है पहचान, आपका नाम, आपका घर का नाम, आपका गांव का नाम। नहीं, हम लोग नहीं चाहते हम लोग का नाम हो, गर्दा नाम हो, गांव में नाम हो, जितना भी कचड़ा उचड़ा जो धब्बा लगा है नहीं, सब बदमाशी उदमाशी झोल झगर वाला नहीं चाहते कि हम लोग एक बार में खत्म कर दे। और स्टूडेंट का उसको ये तभी खत्म हो सकता है जब वो अच्छा रिजल्ट लाए। दूसरा बात बाबू, 10वां तो गागाक नंबर आ जाता है सर्वा, 300 में 13 भी ना निकल को 93 आग लो, 19 ना लल कर 99 आग लो, जोड़ के 463 आग लो, वो सेकंड टॉपर हो गई। अब आईएएस में उसको बैलेंस भी बना के चलना है, हालत यहाँ खराब हो जाता है। 10th में ले आए बहुत बढ़िया है, 400 450 का 500 ले आ, लेकिन वो आईएसी में बैलेंस बनेगा तब ना, नहीं तो इज्जत का सवाल हो जाता है। क्या आपको 450 450 नंबर, घर वाला तो भेज देता है जोश में कि मेरा बेटा तेज है, ऐसे है वैसे है, साइंस ले भेजिए, गांव वाला भी सपोर्ट करता है, समाज भी बोलता है, बोले इतना नंबर ले को 10वां में पढ़े ले भेज। लेकिन वो नंबर वो बैलेंस बनाना मेन है यार, और वो बैलेंस तभी बनेगा जब 12th धाकर से मेहनत करोगे तब ना। 10-20 नंबर का डिफरेंट रहे चलेगा, लेकिन 10वां 450 और सर्वा आईएएस में सेकंड डिविजन, ये कौन करामत है भाई, ये कौन मेहनत किया है ना। तो वो सब सोच ले चलना है, 2-3 बात लेके चलना एकदम 12th में। 12th में 2-3 बात लेके चलना है, मेहनत करो चाहे ना करो रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। पहला बात याद करो कि हम लोग साइंस क्यों लिए थे, याद करो एकदम उस दिन को, उस जमानों को याद करो कि हम लोग साइंस लिए क्यों थे। जब हम लोग साइंस से जब 10वां रिजल्ट आया था तो पूरा जोश में बोल पढ़बो, बाहर पढ़बो और पढ़बो साइंस से ले पढ़बो, और घर वाला भी पूरा सपोर्ट किया। याद करो कि क्यों लिए थे, क्या एम था, क्या जुनून था उस समय। जेबे कबाड़ देबे टॉपर कर जेबे ओकरा पीछे कर देबे, बोल वो टॉपर कल के वो जेबे नौकरी लेबे, वो कल के वो कल के आ ही जाई पूरा मन में रहता उस दिन। एसपी बन जेबे डीएसपी बन जेबे भलो मैथवा ना धस रहला क्लास छोड़ रहे, लेकिन जोश रहता उस समय, एनर्जी रहता, और वही एनर्जी देख करके घर वाला भी तुमको सपोर्ट कर देता कि जाओ ठीक है पढ़ो, और घर वाला भी भरोसा बढ़ जाता है। मेन बात यही है, फैमिली आप पर उम्मीद करने लगता है, फैमिली का भरोसा आप पर बन जाता है, पूरा फैमिली पूरा गांव समाज का भरोसा बढ़ जाता है। वो भरोसा थोड़ा याद रखना है, उस एम को याद रखना कि कौन एम के लिए हम लोग साइंस लिए थे, ये दो बात याद रखना। तीसरा बात कि 10वां जो नंबर लाए उसको बैलेंस बना के आधे कोशिश करना चलने का, और चौथा बात ऐसा रिजल्ट लाने की कोशिश करना है कि थोड़ा नाम हो, पहचान हो, घर का नाम हो, गांव में नाम हो, थोड़ा ब्लॉक में नाम हो जाए, डिस्ट्रिक्ट में नाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। नाम कमाने के लिए स्टूडेंट पढ़ता है, और स्टूडेंट कोई भी फेमस होता है या कोई भी इंसान फेमस होता है तो इसी तरह फेमस होता है। 10वां अच्छा किया फिर इंटर अच्छा करता है वहाँ नाम होता है, फिर ग्रेजुएशन अच्छा करता है वहाँ नाम होता है, और जब अच्छा करोगे ना तो अपने आप आपको आदमी सपोर्ट करना शुरू कर दे, हो ही जाता है सर, जिसके कारण उसका एनर्जी बढ़ जाता है, मेहनत करने का पावर बढ़ जाता है, उसको एम दिखने लगता है, उसका पूरा हर चीज का ख्याल चलता है दिमाग में कि मेरा घर का क्या स्थिति, हमको क्यों साइंस में भेजा गया पढ़ने के लिए, मेरा क्या एम था, वो सब दिखने लगता है। यही सब दिखने के कारण उसको इतना पावर मिलता है ना अंदर से कि मेहनत करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका हर चीज सक्सेस होते जाता है, हर लाइन में हर स्टेप में सक्सेस होता है, जिसके कारण जल्दी पहुंच जाता है, कम एज में भी हाई स्कूल जैसा नौकरी निकाल लेता है। धन्यवाद, ये मेरा उदाहरण था आप लोग का नहीं था, यही उदाहरण में आप लोग को हम समझा दिए, समझना समझिए, नहीं तो हम जानू ये तुरिन 12th के रे भड़ुए तुरिन को कुछ भी समझेता कोई मतलब नहीं। 11 रहा भी एक दो दिन असर करता, 12th में ही तुरिन ना असर करता,
चल फालतू पढ़ान शुरू कर ले। बोली सर ना जानिए ऐसा पैतरा दिल ना पीछे वाले सोच भी रहा था पढ़े भी ले पढ़े चल ले ऐसा ना जानिए बोल बोली सब पूरा जानो ये नहीं जानते हैं बहुत बढ़िया खाली हम आद दिला दिए और ये सब सोच ले चलिए तभी आपका मेहनत बढ़ेगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा तभी आप ट्वेल्थ में अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। और ट्वेल्थ में कोशिश करो 400 प्लस करने का। पहले जमाना था कि फर्स्ट करना है ट्वेल्थ में, अब जमाना है कि 450 पार करो। सब सर्वन के 450 आ जा रहा है, इज्जत के सवाल हो गया भाई। और इतना आसान एग्जाम कर दिया, इतना आसान कॉपी चेकिंग हो रहा है, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लोगे 53 नंबर 55 नंबर, क्या करोगे? बकवास कर रहे हो आप, टाइम पास किया हजारी बाबू। लाइए 450 नंबर लाइए, गर्दा उड़ा के नंबर लाइए। 10% अभी भी इंडिया में ऐसा जॉब है जो परसेंटेज पर उठाता है, बहुत ऐसा जॉब है कि परसेंटेज पर देखता है, उसका बेनिफिट उठाइए। जो रास्ता पर चल रहे उस रास्ता को सही करते जाइए, उस रास्ता को मजबूत करते जाइए, उस रास्ता में हर स्टेप पर सक्सेस होते जाइए। देखिएगा आपको आगे खुद वाइज खुद दिखाई देने लगेगा, आपको हमेशा कोई ना कोई अच्छा ही रास्ता दिखा देगा, आपको प्रति किसी भी बुरा मतलब गलत विचार नहीं रहेगा, जिसके कारण आपके प्रति हमेशा का एनर्जी जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, आपका भी एनर्जी उसके कारण पॉजिटिव बढ़ जाएगा, मेहनत करने का जज्बा बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने का जुनून बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। सही बोल रहे ना अरुण? अरुण सपना कौन थी अरुण? सही बोले कि नहीं? तो ये सब बात है, आप लोग ट्वेल्थ का है, ज्यादा नहीं समझाएंगे, बच्चा नहीं है आप, उस लेवल का आप आ गए हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपको अब हर डिसीजन अपने से लेना होगा। घर वाला भी आप ही सब डिसीजन पूछेगा, बोल बाबू ऐसे ऐसे बात है क्या करिए, आप उस लेवल का आ गए। गांव में भी आपको उस लेवल का मानने लगेगा, घर वाला भी उस लेवल का मानने लगेगा। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हो, आप उस लेवल को बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, उस लेवल को बना करके गांव घर फैमिली का उम्मीद पर उतरना चाहते हो नहीं उतरना चाहते हो, नहीं उतरोगे किसको क्या करोगे ना। हम लोग का माए बाप जैसे जीना था जी लिए, अब हम लोग को जीना नहीं, उस तरह करेंगे तो नहीं होगा। कितना मस्त बात कर रहे कि ना, तुम लोग को लग रहा था ये यार मस्त खाली मस्ती करो, सुनो मेन टैलेंट रे पागल है, बोलेंगे तो 2 घंटा बोलते रह जाएंगे, इन लोग जानता है कि शुरू हो गया बोलते रहेंगे। चलो काफी आज का ही, और बोलेंगे बहुत तरह का बात भी है वीडियो में भी, 12-13 वीडियो इस तरह बना के डाला हुआ है यूट्यूब में मेरा खुद का, सुनिए समझिए। चलिए तो थोड़ा सा आज भरे हैं, थोड़ा सा याद दिला दिए हम लोग कि अब ट्वेल्थ में आ गए और वो सब पुराना बात याद करो शुरू वाला, और उसको याद करके पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना है हर चैप्टर ढंग से पढ़ना बाबू, हर चैप्टर, क्योंकि ट्वेल्थ का हर चैप्टर कंपटीशन में काम देता है, तभी नौकरी उकरी होगा, ना पढ़ेगा ना होने वाला कुछ, आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो नहीं करना, नौकरी करना चाहते हो 12 के एक और चैप्टर पढ़ना होगा, डेली आना होगा, दूसरा बार डेली आना होगा, तीसरा बार फेयर कॉपी बनाना होगा, मैथ में भी फेयर कॉपी बनता है सर, अफवाह उड़ा देता है सर, मैं मैथ में फेयर कॉपी बोल के कई दल को बनावे ले, फर्स्ट ईयर में पूछे लगता बोल 12th वाले बोल रहा था ना बनाना है सर, बोल उन लोग ना बनाता है, कल ये केवो काल को बता तो बोल उन फिर को सर नाम नहीं लेने बोला है, कल ये नहीं लेने बोला बोल कम से कम गांव बता हम समझ जबो, कैदल को पत्थर गड्ढा हम जान गलियो कि ललन कह ले तो सर समझ गया ललन कह रहा, और ललन ने बोला था हाँ भाई भाई सब के बोल देता हूँ मैथ में के फेयर कॉपी कॉल को बनावे ले, मैथ में कहीं फेयर कॉपी बनावे जाए वो भड़ुआ के ही पता ना हो कि साइंस ले पढ़वी तो सब इंटर के बाद तुरंत मैथवे काम देता, फिजिक्स केमिस्ट्री धीरे धीरे छूटते चल जाता, लेकिन मैथवा कभी भी ना छूटता जब तक नौकरी ना, धीरे धीरे वो फिजिक्स केमिस्ट्री जाने से बाबर हुमायूं बदलते जाता, जीके जीएस बाबर हुमायूं बदलते चल जाता लूसेंट वगैरह में, और मैथवा ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना काम देता, क्योंकि हर कंपटीशन का मैथ 2 भाग में बांटा हुआ है, एडवांस और एडवांस पूरा तरह से 11 और 12 का मैथ, सुने भाई सर जानिए सर और सीखिए, तो वो सब केमिस्ट्री फिजिक्स छूटते चला जाएगा इंटर के बाद, कहीं ना काम देगा, लेकिन मैथवा हमेशा काम देगा। और जिसके पास 11-12 का कॉन्सेप्ट है एकदम बिजोड़, उसको जनरल कंपटीशन का मैथ में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा,
यकीन कर, भरोसा कर, उम्मीद कर, जो बोल रहे सच्चाई बोल रहे, ऑन दी रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर 11, 12 का मैथ आपको मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो जनरल कंपटीशन का मैथ में 1% भी प्रॉब्लम नहीं। जो भी भैया तैयारी कर रहे हैं उनको पूछ सकते हैं, लेकिन वो भैया ना पूछो जो सर्वा तीर घींच के चल रहे लोग किसी तरह। सर्वा जाओ कभी कभी ना जाओ, कभी कहते हम जब पीएससी तैयारी कर दो, अगला दिन कहते ना हम यूपीएससी सोच रहे, अगला दिन ना रेलवे हो जाए तो बहुत बड़ा बात, अगला दिन ना हम सोच रहे चपरासी भी आ लो ट्राई कर लियो का ना, एक लाइन पर चलना। चलो दूसरा बात, अग्निवीर आया है, जो जो एज का लड़का लोग हो भरो, एकदम भरो। ये बोलना चाह रहे थे लेकिन तुम लोग आ नहीं रहा था, आज ही आया है। अग्निवीर का जिनका भी हाइट है, एज है, जो जाना चाहते आर्मी में, अमर करने में, कि नहीं होता है कि नहीं भेजना चाहता फैमिली या उसे मन नहीं, इकलौता वाले इनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, ये नेगेटिव बात नहीं सोचना। लेकिन अग्निवीर के लिए जिनका हाइट है, एज है, जाइए बिंदास जाइए, बहुत अच्छा सरकार ऑप्शन दिया है। 11, 12 के बाद लड़का बहुत भटक जाता है, अरे 4 साल जॉब करेगा, अगर हो जाएगा 4 साल जॉब करोगे, 4 साल में 11-12 लाख रुपया दे देगा, पेमेंट खाली दे देगा। मान लो कि किस्मत से 4 साल के बाद तुमको हटा दिया, उसके बाद 11-12 लाख और दे देगा, नहीं आपके पास 22-23 लाख हो गया, चलो 22-23 लाख गोली मारो, लेकिन 4 साल अगर आप आर्मी में जॉब करोगे, इतना आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा, आपका देश दुनिया समझ में आ जाएगा, आपको हकीकत समझ में आ जाएगा कि चलना कैसे है दुनिया में, आपको फैमिली ले कैसे चलना है, अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी भी गलत रास्ता पर नहीं जाओगे, उसके बाद हटा भी देगा ना तो आप में इतना एनर्जी रहेगा, आप में इतना सोच बदल जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी फैमिली बहुत अच्छा तरीका से आप ले करके गुजार सकते, फैमिली को ले करके चल सकते, मानते नहीं मैं बात को। तो जिनका भी हाइट उठ हो गया, भरिए बिंदास भरिए, ये मत देखिए कि हम वो तैयारी करेंगे वो तैयारी करें, अरे करना एक नौकरी ले लो यार, ठीक है वो तैयारी करेगा, 4 साल करके छोड़ देना, 4 साल कर दो छोड़ देना, दे देगा ग्रेजुएशन की डिग्री, और 4 साल के बाद 11 लाख जे दे देता, वो 11 लाख ले चल जाओ दिल्ली आईएएस की तैयारी करना, जेपीएससी की, अच्छा मौका है कि नहीं, ये सब इस तरह सोचो, इस तरह अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जो भी 10th उनका लड़का लोग हाई टूटे जिला फू है ना बुरबा को 10th में भी ना दस लो भरवा दो निकल जाएगा, अच्छा है ना, अच्छा मौका दिया है सर, पॉजिटिव सोचो, बहुत अच्छा मौका कर हम आप दिला दिए खाली कि अग्निवीर अगर है तो भरो, हो जाता निकल जाओ, निकल जाओ, एकदम निकल जाओ, 4 साल के बाद रहना है तो रहना, नहीं रहना तो अपने भाई जान कि सर हम नहीं रहेंगे, मेरा मम्मी बहुत तबीयत खराब है, बोल मेरा जैनी सर शादी करने मन कर रहा है, सो हम फिर 4 साल के बाद नहीं आएंगे, बोल हमको शादी करना है सर, तो बोल शादी करके आ जाना बाबू, सर ना है सर हमको जानते हैं सर बीमारी शादी बाद आने मन नहीं करता ऐसे ऐसे करके भाग जाना क्या, तो 11-12 लाख दे देगा, अरे 11-12 लाख पेमेंट हुआ, मान ले कि ढेर से ढेर तू 11-12 लाख खर्चा कर दे, 5-6 लाख बचा के रखना और वो पैसा लेके फिर निकल जाना तैयारी करें, है ना, जेपीएससी वगैरह यूपीएससी वगैरह। वैसे भी देखो 10th के बाद 4 साल वैसे बिता देता है, वैसे झग्गरगिरी करे 4 साल का 10 साल बिता देता है, 10 साल के बाद सीरियस होता है, हमारा जॉब करना यार, बप्पा घर यार लो डेली यार, पैसा 2000 के जगह पर 200 मांग लो यार, अब कुछ ना कुछ करो पारते यार, तब सर्विस साइंस वाले सुधरता, साइंस वाले तेज रहता लेकिन हरामी भी बड़ी रहता ना अंदर से, सर्विस जल्दी ना ही सुधरता, और आर सोलन खेत भी जोत रहा थू, माटी भी काट रहा थू, और गाँव में झगर गिरी भी कर रहा थू, सबके ताड़ भी रहा थू, और सर्वे ना, और नौकरी भी जल्दी ले लो, और साइंस वाले साइन थीटा कोस थीटा ना ऊर्ज रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन ना Cl2 बेंजीन टेंजीन ना फिजिक्स में इलेक्ट्रिक का वो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स माय इंग्लिश इज आल्सो स्ट्रांग है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना करते रहल थू ना और आर सोलन मस्ती में बराती नाच भी रहल थू ना आर सोलन ती डांस कर ले तू नागिन डांस गड़गड़ा के अगला दिन सोलन दौड़े चल गए छू नार सोलन दौड़े भी चल जाती नौरी आर सोलन हाँ कि ना और साइंस सोलन ना यार
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी डेंजर, सो आई माई लेग इज ए नॉट वर्किंग बिकॉज आई डांस इन ये बराती डांस। सर बात है, झाड़ते रह जे, इसलिए साइंस वो फुके के चक्कर में बर्बाद हो गया। सुना जी, चलो इतना अच्छा अच्छा बात किए, काफी है।